अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं न्यू रेसिपी के साथ हूँ जिसमें बना रही हूँ बीफ बर्गर। तो जल्दी से सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। ये बहुत आसान और बहुत मज़ेदार है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं बीफ बर्गर बनाने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो बन, बीफ कबाब, टमाटो स्लाइस, अनियन स्लाइस, कैबेज, मायोनीज और बर्गर सॉस। और बीफ कबाब बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पे गिवन हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ले लिया 250 ग्राम बीफ कीमा और इसमें 1 टेबलस्पून डाल ली हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कश्मीरी मिर्च 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 2 हरी मिर्च चॉप्ड हुई हुई। इसके बाद मैं इसमें एक अंडा डाल रही हूँ और 1 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चक्की का आटा जो इसकी बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे आखिर में मैं डाली हूँ 1 कप चॉप्ड अनियन प्याज। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। इसके बाद मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं बना रही हूँ बर्गर सॉस जिसके इंग्रेडिएंट ये हैं। मैंने एक बोल के अंदर 3 टेबलस्पून ले लिया है मायोनीज। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून चिली केचप। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून केचप ऐड कर रही हूँ। इसको फिर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और साइड पर रख देंगे। 15 मिनट्स के बाद मैंने उस बीफ कीमे की बॉल्स बना ली हैं। उसके बाद मैं इसको प्रेस आउट करूँगी ताकि ये कबाब की शक्ल ले ले, किसी भी आप चीज़ से बना सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें फोक से मार्क करूँगी। अब आप देख सकते हैं ये मेरा बीफ कबाब बिल्कुल रेडी है और मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करूंगी, बहुत हल्की आंच पे, क्योंकि ये कीमा है, ये जल्दी से नहीं पकेगा। इसके बाद मैं इसमें एक चीज़ स्लाइस ऐड करूँ, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, ये फॉर द यम्मी टेस्ट के लिए मैं बस ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक बन ले लिया है, इसमें मायोनीज मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप कैबेज। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बीफ कबाब और फिर मैं टोमेटो स्लाइसेस ऐड करूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन स्लाइसेस। इसके बाद मैंने फिर से कबाब रख दिए। आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स, दोबारा से टोमेटो स्लाइसेस और अनियन स्लाइसेस। मैंने अभी टॉप बना लिया जिसमें मैं मायोनीज अप्लाई कर रही हूँ। और मैं इसमें बर्गर सॉस अप्लाई कर रही हूँ पूरे बर्गर पर। उसके बाद ये मेरा बर्गर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बर्गर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसके अंदर बहुत कम इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि मुश्किल होते हैं। इसके तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरी वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करें और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए इस गर्मी में।
फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।